हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव नॉलेज में आपका स्वागत है। सो आज हम चैप्टर को फिनिश करेंगे, क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का जो 7th चैप्टर हम कर रहे थे, पार्ट नंबर 2 है। सो चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। सो यहाँ पे इसके बारे में हम देखेंगे। सो डेमोक्रेसी के बारे में देख रहे हैं, वैसे तो डेमोक्रेसी के बारे में हम पहले भी बहुत सारे चैप्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में इतना कुछ नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पे, बट फिर भी यहाँ पे जो एक दो टॉपिक्स रह गए हैं। सो डेमोक्रेसी यहाँ पे मेनली जो पॉलिटिकल इक्वेलिटी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे होती है। सो जैसा कि हमने लास्ट में देखा था कि जो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप के केस में यहाँ पे जो इकोनॉमिक यहाँ पे जो डेवलपमेंट थी वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, लेकिन जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी के जो अदर यहाँ पे प्लस पॉइंट्स के बारे में भी हमने बात की थी और हमने पार्ट नंबर 1 में भी देखा था, और इसी तरह यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल इक्वेलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेमोक्रेसी का। सो यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं, और यहाँ पे वो अपने जो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो उनकी बात यहाँ पे रख सके, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉलिसी तैयार कर सके। लेकिन वही बात, जैसा कि यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है डेमोक्रेसी में, ये तो इसका नेगेटिव पॉइंट मानना होगा, लेकिन अदर यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं डेमोक्रेसी में। तो इसमें अगर तो देखा जाए तो जो एक स्मॉल ग्रुप ऑफ रिच, यहाँ पे अमीर लोगों का एक बहुत ही छोटा तबका होता है जो यहाँ पे बहुत इंजॉय करता है, या बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे उनके द्वारा कमाया जाता है, इनकम से या वेल्थ उनके द्वारा जनरेट की जाती है, नेशनल इनकम में भी इनका ज्यादा यहाँ पे डोमिनेट देखने को मिलेगा, मतलब कि ज्यादातर जो हिस्सा होता है यहाँ पे वो रिच, यहाँ पे जो छोटा ग्रुप है इनका देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए तो यहाँ पे सोसाइटी का जो सबसे निम्न, यहाँ पे सबसे निचला तबका जो होता है, उसके पास यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, बल्कि ना के बराबर देखने को मिलते हैं, वो उन रिसोर्सेज से वंचित रह जाते हैं जिनका उनके ऊपर यहाँ पे अधिकार होना चाहिए। अब ऐसे में जो उनकी इनकम्स होती है वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है, और यहाँ पे वो बहुत ही मुश्किल से फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इन सभी को यहाँ पे प्राप्त करने में इनके बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, इवन कि ये कर भी नहीं पाते, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आज के समय में ऐसा यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बन चुका है जिसमें जो अमीर वर्ग है, यहाँ पे जो रिच पीपल है, ये बहुत ज्यादा अमीर और अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब तबका यहाँ पे देखने को मिलेगा ये और ज्यादा गरीब हो रहा है। तो ऐसे में दोनों के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। तो पुअर यहाँ पे जो ऑब्वियस जो पुअर है यहाँ पे, इसका बहुत ज्यादा बड़ा प्रपोर्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे मेजोरिटी यहाँ पे पुअर की है। सो ऐसे में जो वोटर्स होते हैं उनका मेन मकसद यही होता है कि यहाँ पे ये जो तबका है यहाँ पे गरीब लोगों का, इनको साथ में लेके चला जाए, वो इनको यहाँ पे लॉस नहीं करवाना चाहते अपना पॉलिटिक्स में या चुनाव क्षेत्र में। सो यहाँ पे अगर तो देखा जाए तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं देश में जो जिनकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब दिखने को मिलती है। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो यहाँ पे 50% से भी ज्यादा यहाँ पे जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं बांग्लादेश में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा हाल देखने को मिलता है। सो जो लोग यहाँ पे कुछ पुअर कंट्रीज हैं तो वो यहाँ पे बिल्कुल डिपेंडेंट हो चुके हैं जो रिच कंट्रीज हैं, इवन की फूड सप्लाईज के ऊपर भी उन्हें निर्भर करना पड़ता है जो रिच कंट्रीज होती हैं। अब यहाँ पे जो चार्ट दिखाया गया है, सो वो लोग जो मानते हैं कि हमारी वोट से कुछ ना कुछ असर पड़ सकता है। अब जैसे साउथ एशिया की अगर बात करें तो यहाँ पे 65 यहाँ पे परसेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि हाँ भी हमारी जो वोट है उससे कुछ ना कुछ बदलाव लाया जा सकता है। बांग्लादेश में 66%, इंडिया में 67% देखने को मिलेगा, नेपाल में 75% यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में ऑब्वियस इतना ज्यादा यहाँ पे
नहीं देखने को मिलते, इसके बारे में मैंने पार्ट नंबर 1 में भी दिखाया था, वहां पे एजुकेशन वगैरह ठीक है और भी यहाँ पे बहुत सारे कारण है जिनकी वजह से काफी ज्यादा पीछे देखने को मिलता है। सो यहाँ पे डेमोक्रेसी को भी इतना ज्यादा यहाँ पे प्रेफर नहीं किया जाता। सो मेनली यहाँ पे मिलिट्री रूल बहुत ज्यादा लगता है ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था कि प्लस टू की क्लास में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। तो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो वीडियो को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट टॉपिक डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो डेमोक्रेसी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुपीरियर मानी जाती है अगर तो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए। तो डेमोक्रेसी में यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनकी डिग्निटी यानी कि गौरव जो होता है वो इंक्रीज होता है, उन्हें आजादी मिलती है। डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है ठीक है, बहुत सारी फ्रीडम देखने को मिलती है जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं देखने को मिलेगी, जैसे डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की हो गया या फिर मिलिट्री रूल हो गया। सो इनमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती ये चीजें। सो यहाँ पे हर इंडिविजुअल यहाँ पे वो चाहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले, उन्हें इज्जत दी जाए। तो यहाँ पे जो पैशन है रिस्पेक्ट के प्रति और आजादी के प्रति, यहाँ पे किसके बेसिस के ऊपर है, यहाँ पे डेमोक्रेसी के बेसिस के ऊपर यहाँ पे होता है। तो मेन इनका जो आधार है वो डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें रिस्पेक्ट और फ्रीडम यहाँ पे मिलती है। सो अगर तो हम यहाँ पे वुमेन की डिग्निटी की बात करें, तो यहाँ पे जो ज्यादातर जो सोसाइटी है पूरे विश्व में, वहां पे मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी देखने को मिलेगी। मतलब कि यहाँ पे अगर आप पॉलिटिक्स की बात लगा लो या किसी भी फील्ड में लगा लो, तो ज्यादातर जो यहाँ पे तबका है वो मेल सोसाइटी का यहाँ पे देखने को मिलेगा, वुमेन्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलती हैं। अगर तो किसी भी आप संस्था में लगा लो ठीक है, जहाँ पे काम कोई भी यहाँ पे चल रहे होते हैं, फैक्ट्री बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, या पॉलिटिक्स में ही लगा लो, यहाँ पे अभी भी बात चल रही है कि एटलीस्ट यहाँ पे 33% लोगों को औरतों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 33% पे रिजर्वेशन नहीं मिल रही आज के समय में भी। सो ऐसा यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, मेनली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी यहाँ पे पूरे विश्व में देखने को मिलती है। सो यहाँ पे ये लॉन्ग जो स्ट्रगल वुमेन्स के द्वारा यहाँ पे बहुत समय से यहाँ पे चलाया जा रहा है। सो मेनली यहाँ पे एक ऐसा समाज बनाने की जरूरत है यहाँ पे, और बनाया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं ज्यादातर वो ज्यादा सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, और यहाँ पे इनकी भी रिस्पेक्ट की जाए और यहाँ पे इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए वुमेन्स को भी। सो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। सो आई होप आपको यहाँ पे वीडियो समझ में आया होगा। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो इस चैप्टर में इतना कुछ था नहीं, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, अपने आसपास सफाई रखें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा लक्ष्य है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।